हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखेंगे किस तरह से आज का सेंटीमेंट से मार्केट में कैसा रिएक्ट कर सकता है, उसको हम डिटेल में देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में लर्निंग कंटेंट अगर आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ लर्निंग कंटेंट मिल जाते हैं। साथ में प्लेलिस्ट के आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगी, MCX लर्निंग का, उसमें मैंने कुछ बेसिक के दो तीन वीडियो डाल रखे हैं, वहाँ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक फ्रेंड्स आपको मिल जाता है। मैंने आपको कल ही एक रेंज दिया था कि मार्केट में अभी आपको थोड़ा सा देख के प्लान करना हो, क्योंकि ऊपर नेगेटिव पैटर्न बना रहा है, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास बना हुआ है। तो अभी देखते हैं क्या रिएक्ट करने वाला है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं तो आवर्ली टाइम फ्रेम में, अगर आप कल की सेकेंड हाफ में ओपनिंग होती, फर्स्ट हाफ क्लोज रहता है, तो उसके बाद में एक ही कैंडल हमारा जो टारगेट था उसको इसने हिट कर दिया, जो हमारी एनालिसिस थी। अगर छोटी कैंडल बना के निकलता है तो हम यहाँ के लिए बाइंग की साइड देखेंगे। उसके बाद में इमीडिएट नेगेटिव कैंडल बनती है और लगभग ये उसको इंगल्फ करने की कोशिश करती है, ये निगेटिव पैटर्न बन जाता है और जो पूरी क्लोजिंग रही है इसी रेंज में रही है। तो यहाँ अभी मार्केट एक इम्पॉर्टेंट है कि कल के इसने लो को क्रॉस नहीं किया है और अल्टीमेटली जो ओपनिंग हुई थी उसी के आसपास कहीं ये बना हुआ है। तो अब यहाँ से आपको अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो मार्केट में थोड़ा सा आपको रिस्क लेके, अगर मार्केट 650 के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे 300 से 400 पॉइंट के लिए देख सकते हैं ऊपर के लिए। लेकिन इन केस मार्केट नीचे निकलता है तो आपके लिए सिर्फ 72,250 का लेवल, उसके बाद में 72,000 ये लेवल रहेगा। मार्केट के लिए जो रेंज बनी हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू ड्रा कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि 72,500 का लेवल है लगभग। तो ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट का काम करेगा, इस रेंज में मार्केट को रहना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करता तो इमीडिएट नीचे 72,000, उससे भी स्ट्रांग है, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट बचे हुए हैं तो यहाँ से उसको ऊपर निकलना चाहिए, रेंज को ट्रेड करेंगे अगर हमारे फेवर में आता है तो। और साथ में अगर स्टॉप लॉस आपको लगाना तो स्टॉप लॉस यहाँ बहुत छोटा बनता हुआ दिख रहा है, उस रेंज का ही आप स्टॉप लॉस लगाइएगा जिस साइड जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब 4 आवर सेटअप में फ्रेंड देखते हैं, पहली कैंडल 4 घंटे की ऊपर नीचे सारा हो गया, लेकिन क्लोजिंग अल्टीमेटली एक रेंज में कर दिया। दूसरी कैंडल ने भी जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था उसके नीचे किया है। अब यहाँ से इसको ब्रेक करना चाहिए, लगातार ऊपर बना है। इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि मार्केट इससे थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ है, जो कल की इसने लो का फॉर्मेशन किया था उसको भी इसने टच नहीं किया है। तो थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ में आप देख सकते हैं, लेकिन आपको अभी फर्दर थोड़ा सा वेट करना होगा। टारगेट हमारा यहाँ पे जो बनता हुआ दिख रहा है 243 का बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, 73,233 का, अगर ऊपर निकलता है तो फर्स्ट हाफ में निकले या सेकंड हाफ में निकले। अगर नेक्स्ट इसके बाद में डेली टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं फ्रेंड, तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अभी भी स्पिनिंग टाइप की बनी हुई कैंडल, स्पिनिंग टाइप की कैंडल जब भी बनती है तो यहाँ हमें डिसाइड करना होता है इधर अप साइड और डाउन साइड। अब अगर हम कलर की बात नहीं करते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये है, बड़ी कैंडल बनी, छोटी कैंडल ने डिसाइड किया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी इससे ऊपर बनने की कोशिश किया है। तो ओवरऑल इससे बहुत कम अमाउंट में ऊपर बनी है कैंडल, लेकिन प्लस साइड में जाने से थोड़ा सा पॉजिटिवनेस अभी भी बनी हुई है मार्केट में। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा देख के ही प्लानिंग करनी होगी अगर मार्केट ऊपर निकलता है। अभी हमने जस्ट अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रखी तो स्टॉप लॉस हमारा 72 के आसपास ही लगा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ये रेंज थोड़ा वोलेटाइल, अगर यहाँ से निकलता है तो आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। नीचे के लिए सपोर्ट स्ट्रांग है, नीचे उतना ज़्यादा डाउन मूव फिलहाल के नहीं आना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, नए हैं तो एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।